नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत चर्चित वीडियो के बारे में। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसके बहुत सारे वीडियो YouTube पर डले हुए हैं जो कहते हैं कि एक खुराक में ही टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का रामबाण उपाय है ये। लेकिन दोस्तों कैसे जुड़ेगी टूटी हुई हड्डी ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों वैसे एक खुराक में कोई भी टूटी हुई हड्डी नहीं जुड़ती, लेकिन इसकी प्रयोग से टूटी हुई हड्डी को जोड़ सकते हैं। लेकिन कैसे जोड़ेंगे और क्या क्या प्रयोग करेंगे वो मैं आज आपको अपने वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना ये है दोस्तों चौलाई। दोस्तों इसको चौलाई के नाम से जाना जाता है और इसका प्रयोग करके आप अपनी टूटी हुई हड्डी को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं ये जो चौलाई है, चौलाई अधिकतर भारतवर्ष में मिल जाती है और दोस्तों ये बरसात के सीजन में अक्सर पैदा होती है और ये पूरे सर्दियों तक रहती है। दोस्तों चौलाई का प्रयोग साग के रूप में किया जाता है, ये बहुत ही शीतल होती है और इसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। दोस्तों शीतल होने से ये अनेक प्रकार की गर्मी की बीमारी शांत करती है, गर्मियों के कारण जो दाह जलन होती है, जो दोस्तों आपको कोई भी गर्मी के जो रोग हो जाते हैं उसको ये दूर करती है। साथ ही साथ टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए, कभी हड्डी में फ्रैक्चर हो जाए तो उसको दूर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। कैसे प्रयोग करेंगे वो मैं आज ही आपको अपने वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों इसका नाम है चौलाई। अब मैं बता देता हूँ कैसा आप इसका प्रयोग करेंगे। दोस्तों हड्डी टूट गई है, कहीं पर भी गिर गए हैं आप, या एक्सीडेंट हो गया है, या कुछ भी हो गया जिस कारण से आपकी हड्डी में घुटने में फ्रैक्चर आ गया है, हाथ पैर टूट गए हैं, इस कारण से आपका बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है, तब आपको यह प्रयोग क्या करेंगे, आपको इन पत्तों को लेना है। दोस्तों ये देखिएगा इसके पत्तों को लेकर के आपको दोस्तों सिलबट्टे से पीस लेना है, और पीस करके आपको रस निकाल लेना है। ये जो चौलाई है, चौलाई का रस लेना है कम से कम 5 चम्मच। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, चौलाई का रस लेना है 5 चम्मच, उसमें आप 1 चम्मच हल्दी मिला दें। दोस्तों 5 चम्मच चौलाई के सोरस में 1 चम्मच हल्दी मिला करके और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके और रोज़ खाली पेट सेवन करें। दोस्तों रोज़ खाली पेट सेवन करने से 15 से 20 दिन में ही टूटी हुई हड्डी में बहुत विशेष लाभ होता है, आराम मिलता है और हड्डी जुड़नी शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों जो YouTube पर वीडियो आप देखते होंगे कि टूटी हुई हड्डी एक खुराक में जोड़ें, तो ये सब फेक वीडियो हैं, गलत वीडियो हैं। लेकिन दोस्तों इसके प्रयोग से टूटी हुई हड्डी आसानी से जोड़ सकते हैं मेरे नुस्खे द्वारा जो आप सुन रहे हैं, कि दोस्तों इसमें 5 चम्मच सोरस में आप 1 चम्मच हल्दी डाल करके, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके सेवन करें, और ये जो आप देख रहे हैं इसको ले लें, और साथ में दोस्तों ले लें आप हड़जोड़, यानी कि चौलाई और हड़जोड़ को मिला करके आप वहाँ पर लेपन करें, वहाँ पर लेपन करके उस अंग को अच्छी तरीके से बांध दें जिसमें चोट आ गई है, जो फ्रैक्चर हो गया है, चाहे घुटने का फ्रैक्चर हो या पैर का फ्रैक्चर हो। तो समस्त प्रकार के फ्रैक्चर को दूर करने के लिए भी ये बहुत ही विशेष लाभकारी है। और दोस्तों साथ ही साथ मैं बात करता हूँ, ये आपकी सेहत को बनाता है, या आपको तंदुरुस्ती और चुस्ती फुर्ती देता है, ये ताकत से भरपूर है। दोस्तों ये गर्मी की बीमारी को शांत करता है, ये लिकोरिया और धातु रोग को भी दूर करता है। हमारी जिन माताओं बहनों को लिकोरिया की शिकायत है, जो हमारे भाई धातु रोग से परेशान है, वे चौलाई का साग जरूर प्रयोग करें। चौलाई का साग प्रयोग करने से दोस्तों होगा क्या कि आपकी धातु रोग की बीमारी जो बरसों पुरानी है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे गुण हैं, तो मैं आज आपको अपने विषयों में कुछ बताए हैं, कुछ आगे चल के बताऊँगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, पहचान लीजिए इसको। धन्यवाद।